मतलब जब उनकी खुद की सरकार ही उनके प्रति सीरियस नहीं है तो हम लोग क्यों ऐसे फिजूल में उनको हीरो बनाए। बोलने तो बोलने से कुछ नहीं होता, ये बड़े फैसले होते हैं और ना वीरेंद्र डुमरका के हाथ में कुछ है, ये तो ऊपर के फैसले हैं जो बड़ी मतलब हमारे अजय सिंह जी हो गए, दुष्यंत और उनके जो है वो अमित शाह जी वगैरह हैं, उनके लेवल के फैसले हैं। उनके कहने से वो तो पीछे कह रहे थे ना, अगर मेरे को ये 15 दिन के अंदर नहीं तोड़ा तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं छोड़ी उन्होंने पार्टी? ये तो गिदड़ भभके हैं जाना, उन्होंने ना उनको कोई लेगा ना उन्होंने कहीं जाना। बिल्कुल 100% दुष्यंत उचाना से, दुष्यंत ने उचाना में जो काम किए ना, तकलीफ तो वीरेंद्र डुमरका को यही है ना भी, जो आज के इतिहास में पीछे तो सेपरेट गवर्नमेंट थी, हमारी तो थी नहीं तब है, तब भी वो तब क्यों नहीं काम करवाए उन्होंने? दुष्यंत ने इतने ज्यादा काम करवा दिए कि उनके जो पेट में दर्द हो रहा है ना, सिर्फ उस काम को देख देख के ही हो रहा है। रैली भी की थी हरियाणा में, जी 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 जी, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हरियाणा में भाजपा 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ेगी, तो गठबंधन के माने कि लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएगी, क्या चाहिए या फिर विधानसभा के लिए ही गठबंधन? देखो ये फैसले जो है ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे वो अजय जी के करने के है। पहले भी पार्टी जब इलेक्शंस हुए तो सेपरेट ही लड़े थे, आगे की परिस्थिति ऐसे बनी कि हमारे गठबंधन हो गया। अब आगे मैं अभी इस चीज़ के लिए, अभी तक हम गठबंधन में हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी कि जो आपको लगे भी ये डाउटफुल है, अभी तक हम गठबंधन में हैं, बहुत अच्छा गठबंधन हमारा चल रहा है। अगर डाउटफुल होता है तो क्या जेजेपी पूरी तरह से तैयार है? क्यों नहीं तैयार है, जब 2019 में इतनी अच्छी तरह इलेक्शन लड़के हम 10 सीटें लेके आ सकते हैं, तो अब तो हमारे पास 5 साल हैं, तो बिल्कुल हमारे एक एक कार्यकर्ता जो है वो दिन रात पार्टी के लिए समर्पित है और बहुत जी जान से काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार है जेजेपी।